हेलो एवरीवन, सो लेट अस सॉल्व वन न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड अपॉन फ्लो थ्रू लेमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप सर्कुलर पाइप। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दिया हुआ है एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 1.43 पॉइज। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दी है 0.9 और उसकी डायमीटर दी है 2.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ दे रखा है 1/10 ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर विच द रेनॉल्ड नंबर इज 2500। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू पाइप। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू पाइप पूछा है। फिर पूछा है हेड लॉस इन मीटर्स ऑफ ऑयल अक्रॉस पाइप लेंथ रिक्वायर टू मेंटेन द फ्लो। तीसरा पावर का। तो देखो, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर बिस्कोसिटी दी है। देखिए, गिवन लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो बिस्कोसिटी दी है, बिस्कोसिटी का मतलब म्यू इक्वल्स क्या दिया 1.43 पॉइज। पॉइज को आप किस में चेंज कर सकते हो, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। और उसको चेंज क्योंकि पॉइज किसकी क्या सीजीएस यूनिट है, आपको सारी यूनिट किस में चेंज करनी होती है, एसआई यूनिट में। तो म्यू इक्वल्स हो जाएगा आपका 0.143 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया 0.9। तो यहाँ से जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कितना, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी में चेंज करना है तो डेंसिटी 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा 900 kg पर मीटर के। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया है लेंथ, लेंथ कितना दिया है 300 सेंटीमीटर। ये भी आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो 2.5 सेंटीमीटर को चेंज करो तो ये हो जाएगा 0.025 मीटर। और ऐसे ही यदि आप इसको चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.3 मीटर। ठीक है, सॉरी, ये 3 मीटर आ जाएगा क्योंकि 300 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 मीटर आ गया। देखिए, रेनॉल्ड नंबर दिया हुआ है तो रेनॉल्ड नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन म्यू। यहाँ पे वी क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, वी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि आप रेनॉल्ड आपको निकालना है क्रिटिकल वेलोसिटी पे। तो यहाँ क्योंकि आपको दिया हुआ है कि रेनॉल्ड नंबर एट क्रिटिकल वेलोसिटी कितना दे रखा है 2500। ठीक है, तो यहाँ से आप वो निकाल लोगे, रेनॉल्ड नंबर की दे रखा है 2500 और ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.9 है, तो डेंसिटी 900 हो गया इनटू वी क्रिटिकल और मल्टीप्लाइड बाई डी। डायमीटर कितना है 0.025 पॉन म्यू। म्यू कितना है, ये आपका 1.43 पॉइज है तो 0.143 हो जाएगा 1.43 अपॉन, सॉरी ये तो ऊपर नीचे लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे ये आ गया, रो आ गया, वी आ गया और ये नीचे आ गया 0.143। हम कैलकुलेशन कर लेते हैं वीसीआर, तो ये इधर पहुँच जाएगा। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ 2500 इंटू 0.143 डिवाइडेड बाई 900 मल्टीप्लाइड बाई 0.025। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2500 मल्टीप्लाइड बाई 0.143 ये आ गया, इसको डिवाइड करना है आपको 900 इंटू 0.025, तो आ गया क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई 15.88 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी समझते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, या मैं बोलूँ लेमिनार फ्लो की जो अपर वेलोसिटी होती है, जिसके तुरंत बाद जो फ्लो क्या है लेमिनार से किस में चेंज हो जाता है, टर्बुलेंट में चेंज हो जाता है, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई। अब क्वेश्चन में दिया है आपको क्या निकालना है, एट 1/10 ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, वी सी आर इक्वल्स 1/10 ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, वी एवरेज निकालना है वेलोसिटी, तो इनटू 15.88। तो 15.88 को इसको डिवाइड करो तो क्रिटिकल आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो आएगी 1.588 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ये यहाँ पे आपकी आ गई। अब वेलोसिटी का दूसरा आपको क्या निकालना है, द हेड लॉस इन मीटर्स ऑफ द ऑयल अक्रॉस पाइप रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। तो देखो, हेड लॉस निकालने का आपको फॉर्मूला क्या होता है, हेड लॉस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, एच एफ क्या होता है, P1 - P2 / W। ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन वाला जो डार्सी इक्वेशन है उसमें ही पढ़ाते हैं। तो एच एफ इक्वल्स P1 - P2 / W। तो P1 - P2
का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। पी वन माइनस पी टू का जो फॉर्मूला है वो ये है आपका, पी वन माइनस पी टू का जो फॉर्मूला वो ये है, 32 म्यू वी एवरेज इंटू एल अपॉन पाई डी क्यू, नॉट पाई डी क्यू, ठीक है। तो इतना हो गया, ये पी वन माइनस पी टू अपन डब्ल्यू इक्वल्स 32, अपने पी वन माइनस पी टू का एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 32 म्यू वी एवरेज इंटू लेंथ डब्ल्यू डी स्क्वायर। डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक वेट को, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि आप देखोगे इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हैं आपके पास, 32 म्यू की वैल्यू कितनी है 0.143, वी एवरेज निकाली आपने 1.588 इंटू लेंथ, लेंथ ऑफ द पाइप कितना है 3 मीटर, 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर, और डब्ल्यू क्या होगा, रो जी होगा, तो रो कितना है 900, जी कितना है 9.81, और डायमीटर पाइप की दे रखी है, डायमीटर आपने अभी निकाला था, डायमीटर कितना दिया 2.5 सेंटीमीटर, तो 0.025 का स्क्वायर। इसको ऊपर का सॉल्व, सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, 32 मल्टीप्लाइड बाई 0.143 मल्टीप्लाइड बाई 1.588 इंटू 3, तो ये आ गया 21.8, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे सॉल्व करते हैं तो 900 इंटू 9.81 इंटू 0.025 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5.518। तो एच एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 21.8 डिवाइडेड बाई आंसर मतलब 3.95। ऑब्वियसली इसकी जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो ये आ गया हेड लॉस, ठीक है। अब हेड लॉस आ गया, हेड लॉस आ गया, अब आप क्या निकालोगे, पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अगला क्या निकालना है आपको, पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विस्कर रेजिस्टेंस। तो मिनिमम कितनी पावर चाहिए फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए, एटलीस्ट उतनी पावर तो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी जितना पावर क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है ड्यूरिंग द फ्लो ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसका हम निकालते हैं, तो जो पावर लॉस्ट होती है उसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स रो जी क्यू एच एफ। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पावर लॉस निकालते हैं जब आपका फ्लो पाइप के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P पावर लॉस्ट है, तो रो कितना हो जाएगा 900, जी कितना 9.81, क्यू क्यू क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे पाई 4, और D की वैल्यू कितनी 0.025 का स्क्वायर, तो ये एरिया हो गया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपने निकाला 1.5, और यहाँ पे दूसरा कितना 1.588, ठीक है, और इंटू एच एफ, एच एफ आपने अभी निकाला है 3.95, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल आएगा पावर, इतना पावर कम से कम ज़रूरी पड़ेगा फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये 900 नज़र लग देता हूँ, 900 इंटू 9.81 ये आ गया इंटू शिफ्ट ब्रैकेट पाई, सॉरी शिफ्ट पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0.025 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो गया यहाँ तक, अब मल्टीप्लाई करो तो इसको 1.588 ये आ गया, अब मल्टीप्लाई कर दो 3.95 से, तो अगर 27.18, तो पावर आ गया 27.18, और इसकी यूनिट ऑब्वियसली क्या आएगी, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट। तो इतना मतलब पावर एटलीस्ट आपको सप्लाई करना पड़ेगा टू कंटिन्यू द फ्लो,